अभी सनातन समीक्षा उसको कहेगा कि आप जो बड़े अच्छे बन रहे हैं ना, कि मैं बड़ा न्यायकारी, बड़ा दयालु, ये वो। अभी मैं आपके साथ, उसने इसको एक उदाहरण दिया, एक एग्जाम्पल दी, दस्ती। दस्ती मीन्स ऐसी के सिचुएशनल या स्पॉन्टेनियस एग्जाम्पल दी। उसने कहा कि आप दयालु हो, मेरे से बड़े अच्छे से बात कर रहे हो, मगर जैसे ही मैं आपकी मां बहन करूंगा, आप एक समय के बाद मुझे गाली बक दोगे। तो वहां से न्याय शुरू है। यानी उसने बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल दी, मगर उसमें एक छुपा हुआ पॉइंट है। ये झूठा मक्कार पिछवाड़ा टीम का मेंबर है जी, पता क्या कहता है? कहता है मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो गाली नहीं दूंगा आपको। और अभी आप क्लाइमेक्स सुन चुके हैं कि कटप्पा ने बाहुबली के पिछवाड़े के अंदर कैसे घुसेड़ा था अपना तलवार। जी चोर बोलूंगा आपको तो हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाओगे, चलो चलो छोड़ो, चोरी तो बोला है। लेकिन अगर अभी मैं आपकी माँ बहन पे आ जाऊंगा ना, तो आप मेरे को भी गालियां देने लगोगे। तो ये नहीं, होता मैं है नहीं कि दूंगा हम अच्छा अरे इंसान। सुन नहीं, लेता मैं है नहीं दूंगा हम अच्छा अरे इंसान। सुन नहीं, लेता मैं है नहीं हम दूंगा अच्छा अरे सुन इंसान। लीजिए रु नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं अच्छा इंसान हूं, ये बोल रहा है। हाँ, कह रहा है नहीं दूंगा गाली, मैं अच्छा इंसान हूं। और होलसेल रेट पर भर भर कर कभी उसको अंड को चटवा रहा है, कभी उसकी मां बहन कर रहा है, कभी उसके पिता को गाली, कभी माँ को गाली, कभी सनातन धर्म को गाली, कभी सनातन धर्म को उससे पैंटी से तशबी, पैंटी बोल रहा है, कभी ब्राह्मण को गाली। मुंह भर भर कर गालियां दी हैं और कहता है मैं बड़ा अच्छा इंसान हूं, मैं गाली नहीं दूंगा, ये बोल रहा है। सुने जरा, ये है दोगलापंथी। आगे अरे वो पता चल जाएगा अभी अभी उस देर आप बैठी, अभी पता चल जाएगा। उदाहरण तो उसको भी पता चल गया, सुरक्षा को। उसने कहा कुछ देर बैठिए, अभी आपको पता चल जाएगा आप क्या करेंगे। आपने मेरे तक को नहीं दिया किसी ग्रंथ का। अरे ब्राह्मण आप हो कि मैं हूं, बताइए, शास्त्र ज्ञानी आप। कुशवाहा, ये यहां से पॉइंट शुरू होने लगा है कि ये पॉइंट है जिसको इसने पकड़ लिया, पीछे बेस को नहीं पकड़ा। ब्राह्मण आप हो या मैं हूं, क्यों कहा उसने? क्योंकि नाम लिखकर आया पांडे, अपने आप को ब्राह्मण दर्शा रहा है, करेक्टर प्ले कर रहा है। अब देखें नहीं, जी, शास्त्र पता नहीं ज्ञानी मुझे आप हो कि मुझे मैं हूं, नहीं इसमें हम दोनों में शास्त्र ज्ञानी कौन है? मैं तो नहीं हूं, मतलब ये आप नहीं हो सकते ब्राह्मण हैं, के घर, मुझे नहीं अपना ब्राह्मण के घर पता कौन नहीं। पैदा हुआ? नहीं ब्राह्मण के घर कौन पैदा हुआ? वो तो गलती से हो गया ना, मतलब उसमें मेरी कुछ मिस्टेक थोड़ी थी, मैंने थोड़ी जानबूझ के चूज। लो जी, ब्राह्मण भी है और शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है, और ब्राह्मण के घर पैदा हो गया। इसका मतलब यह है कि खुद मानते हैं कि जन्म से ब्राह्मण है, तभी ना तो खुद को ब्राह्मण कह रहा है। आगे सुने, कहता गलती से पैदा हो गया मैं वहां पर। किया था। अच्छा पांडे जी ने गलती से आपको पैदा कर दिया है? अरे यार तो पापा को भेजो ना, तुम क्या करने आए हो? पापा को भेजो, जाओ अपने पापा को बुला के लाओ, ताकि मैं उनसे पूछूं कि आखिर उन्होंने ऐसी गलती जी क्यों की। ठीक है जी, कहता मैं गलती से वहां पैदा हो गया हूं, मैंने तो चूज नहीं किया था। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को और ऐसे मूढ़ को और ऐसे अधर्मी को और ऐसे पाखंडी को, बिल्कुल ठीक कहा है उसने। मैं भी होता तो मैं भी यही कहता। कोई भी ऐसा आदमी कि जो शास्त्रों को जानने वाला हो और नीति रीति को जानने वाला हो और इसी तरीके से शास्त्रार्थ करने का तजर्बा हो उसके पास, वो यही कहेगा कि पर तू इधर मैंगो लेने आया है, जाके अपने पापा को भेज, ड्रामेबाज तू। एक तरफ तो घमंड ये है कि डिबेट करने में उतरा हूं, और दूसरा इतना टची और इतना लाडला है कि इसको जूते भी ना पड़े। ये ऐसे ही है कि एक आदमी रिंग के अंदर उतरे बॉक्सिंग करने के लिए, और जब मुक्का पड़े तो रोते हुए रेफरी के पास चला जाए, मुझे माला मुझे माला। तो बीच में तू क्या शिवलिंग लेने के लिए उतरा था है? उतरा क्यों था? इतनी सी बात समझ नहीं आती क्या? डिबेट में जाओगे तो चांटे नहीं पड़ेंगे क्या? जी पापा हैं आपके पास? नहीं, उनका थोड़ा 3 साल पहले देहांत हो गया था, उस लो, पाप मार दिया अपना। मैं कोविड मम्मी? में अरे मम्मी है, मम्मी से पूछ लेता हूँ दोनों ना, का हुआ था आंटी पैदा कर दिया इनको। अच्छा दोनों निकल लिए, काहे झूठ बोल रहा है जी, यार? कोरोना काल में। ठीक है, इसका गुस्सा क्या था? इसने गालियां मां बहन की कहां दी? कहता है कि इसने मैंने इसने मुझसे पूछा तुम्हारे पापा, तो मैंने कह दिया फोत हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, मर गए हैं। ठीक है, देहांत हो गया। तो आगे से मुझे कहता है मम्मी, तो मैंने उसमें भी बोल दिया कि उनका देहांत हो गया। तो कहता है उसको गालियां देनी शुरू कर दी समीक्षा को। आगे समीक्षा खुद बताएगा कि मैंने ये बात क्यों की है।
उसको नहीं सुनाया पब्लिक को, क्योंकि समीक्षा का पता काटना है रस्ते से, उसका तो पता काटना है। देखें जरा, तू झूठ बोल रहे हो, माँ बाप के नाम पर भी झूठ बोल रहे हो। डेथ सर्टिफिकेट आपको भेज देता हूँ, आप अपना ईमेल आईडी दे। झूठ की इंतहा है, इसको चाहिए था उसी वक्त ये कह देता कि यार मजाक कर रहा हूं मैं, मेरे सवाल की तरफ आ जाए, आप छोड़ दें इस चीज को। कहते डेथ सर्टिफिकेट भेज देता हूं, किस हद तक गिरोगे कुत्ते। इसलिए मैंने मिसाल दी, कुत्ता जब बावला हो जाता है वो अपने मालिक को काटता है, सांप का काम डसना है, बिच्छू का काम डंग मारना है, वही करेगा ये, हमें नहीं करेगा तो अपनों को करेगा। और लेकर बैठो ग्रुपों के अंदर, और चढ़ाओ सर के ऊपर, और चुपो इस्लाम की नफरत में। जी सुने आगे, लियो भेजो, अगर तुम भेज देते तो मैं माफी मांग लेता हूं यार, अगर तुम भेज देते तो मैं... सुने सुने, उसने कहा मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट है। समीक्षा ने कहा अगर तुम मुझे ये भेज देते हो मैं माफी मांग लूंगा, ये वर्ड नहीं सुनाया, ऐसा हरामी है, ये वर्ड नहीं सुनाया, आवाज हक सुनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक की आवाज हैं, जो सच्चा है, जो हक पर है, जिसके साथ अन्याय हुआ है हम उसके साथ खड़े हैं। सनातन समीक्षा इस इशू के ऊपर बिल्कुल सत्य पर खड़ा है, उसके साथ अन्याय कर रहे हैं ये लोग, उसको तंग कर रहे हैं जानबूझकर, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। ये सुने जरा, सनातन समीक्षा ने कहा, क्या कहा सुने, डेथ सर्टिफिकेट आपको भेज देता हूं, आप अपना ईमेल आईडी दे। लियो लियो भेजो, अगर तुम भेज देते तो मैं माफी मांग लेता हूं यार, अगर तुम भेज देते तो मैं माफी मांग लेता हूं यार, अगर तुम भेज देते तो मैं माफी मांग लेता हूं यार, लेकिन मुझे तो तुम पे शक है कि तुम एक ये। अब वो बताएगा कि मैंने क्यों तुमसे पूछा, कि मुझे तुम पर शक था इसलिए मैंने पूछा, मैंने कह दिया फर्जी आईडी हो, भेजो इस पर अभी भेजो, फौरन भेजो, मैं हूं, भेजो फिर मैं बात करता हूँ, भेजो मैं फिर बात करता हूँ, अब आप पहले भेजो डिटेल, उसके बाद बात करते हैं, दूसरे का मत भेज देना, निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, और अपना भी भेज देना, अपना क्यों भेजूं, मैं तो जिंदा हूं ना, कुछ ऐसा भी भेजना ताकि ये पता चले कि हाँ आप ही उनके सुपुत्र हो, पता चले किसी दूसरे पांडे जी का भेज दो और पता चले कि भाई तुम उनके बच्चे ही नहीं हो, तो फिर मैं क्या करूंगा बैठ के, ना मैं कैसे दे सकता हूँ आपको, आपने कल को बता दिया सबको कि मैं कौन हूँ, फिर गजब आदमी हो यार, तो इसमें क्या दिक्कत है, आप कौन हो इससे कौन सा, आप कोई बिल गेट्स तो हो नहीं, अंबानी तो हो नहीं कि आपको कोई फर्क पड़ जाने वाला है, मैं बता दूंगा आप कौन हो, तो भेजो यार अपना भी, मतलब मुझे ये तो मेरा... पता चल जाए कि आप उन्हीं के बेटे हो, अगर आपको ईश्वर के ऊपर संदेह हो सकता है तो मुझे आपके ऊपर संदेह नहीं हो सकता, बताइए क्यों नहीं हो सकता भाई, मुझे ये पूरा संदेह है कि आप एक फर्जी इंसान हो और आपका नाम लेजी है। जी अब आपको समझ आई है सनातनियों के, पिछवाड़ा गैंग झूठ बोल के उसको तंग करने गया था, इसीलिए उसने ये बात की कि अपने पिता को भेज, अपनी माता को भेज, उसको पता था ये बंदा झूठ बोल रहा है, मगर नहीं, इमोशनल किया गया सनातनियों को, ये बताया गया कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट का समर्थन तो हम कर रहे हैं, सनातन धर्म के रक्षक तो हम हैं, आवाजें इनके कमेंट्स में पता क्या चल रहा था, यार पिछवाड़ा गैंग ने आवाज़े हक को टफ टाइम दिया हुआ है, प्लीज उनका दे ले, देखो इनकी इनका न्याय, इनका नफरत, इनका क्रोध और प्रेम का कसवटी क्या है, पता है क्या कसवटी है, कि मुसलमानों को गाली कौन दे रहा है, मुसलमानों को बुरा भला कौन बोल रहा है, ये कसवटी है प्रेम और क्रोध की। ल और आगे सुने जी, इसलिए नफरत करते हैं, ठीक है वो तो है ही, वो तो मैं बोल ही देता था, कहता है वो तो मैं बोल ही देता, वो है तो उसी से क्यों नहीं आया है, खबीस इंसान उससे क्यों नहीं आया, खिंजीर सुअर उससे क्यों नहीं आया, तू तंग करने गया है ना, आ गया ना औकात पर, देखा इसका मतलब ये है, समीक्षा को पता था कि ये मेरे साथ पखंड कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, इसीलिए उसने ये बात की कि तू झूठ बोल रहा है, अपने माता पिता को बुला। अच्छा अब पता चल गया ना, अब आपने नोट करना है एक पॉइंट गौर से, जिनके अंदर भी थोड़ा सा सत्य की जानकारी करने के लिए थोड़ा सा वो कोशिश है उनके अंदर, तो सुने उसूली तौर पर अब चाहिए था, आपने नोट करना है कि लेजी जो कि पिछवाड़ा गैंग का ऑनरेबल मेंबर है,
इस गैंग को चाहिए था कि जब ये पोलपट्टी खुल गई कि ये वो नहीं है, जब ये पता चल गया, इसको एक चीज चाहिए थी, अभी बोल देता कि मैं मजाक कर रहा हूं। खुद बताएं दर्शकों, कमेंट्स के अंदर बताएं, क्या इसको ये चाहिए था कि नहीं कि जैसे इसका नाम समीक्षा ने ले लिया कि तू लेजी है, हैं? बताएं, इसको बोलना चाहिए था कि नहीं कि मैं ये सारा मजाक कर रहा था। प्लीज भूल जाएं उसे, सवाल की तरफ आ जाएं। अब आपको पता चल गया कि अगर मेरा नाम ये है तो आपको पता है मैं मजाक कर रहा था, अब मेरे सवाल के उत्तर की तरफ आ जाएं। ये बोलना चाहिए था कि नहीं? थैंक यू जी, ये बोलना चाहिए था। मगर आपको जानकर हैरानगी होगी, इसने फिर भी उस झूठ को कंटिन्यू रखा, फिर भी। तो उसको गुस्सा क्यों ना चढ़े? जब पता चल गया है कि तू एक फर्जी आईडी बनाकर आया, पता चल गया है कि तू एक फर्जी पूरा का पूरा विचार खड़ा कर रहा था बहस करने के लिए, तो उस वक्त बोल देता कि माता पिता वाला मैं मजाक कर रहा था, आई एम सॉरी, मैंने ज्यादा एग्जैजुरेट कर दिया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं वापस करता हूं अपनी बात को। नहीं, उसको लेकर चलता रहा। जी सुने जरा, पीछे करता हूं थोड़ा। जी मैं बोल ही देता था है ना, आ गया ना औकात पर। लेजी इज लाइव, हाँ, तो लेजी इज लाइव, ब्राह्मण देव उसी में दिख रहा होगा ना, क्या है डिबेट करने के लिए, पीछे दिख रहा हो या आगे दिख रहा हो, वैसे आप लोगों के पीछे ही आप लोगों का औकात दिखता है, पीछे दिख रहा हो या आगे दिख रहा हो, वैसे आप लोगों के पीछे ही आप लोगों का औकात दिखता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नाम छुपा के आने वालों की औकात उनके पीछे ही दिखती है, सामने से तो उनकी कोई औकात होती नहीं। तो लेजी भाई जी, भेजो अपने मम्मी पापा का बर्थ सर्टिफिकेट विथ आप उन्हीं के बेटा हो ये वाला सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं है, डेथ वाला मिल जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट और मम्मी पापा का डेथ सर्टिफिकेट भेज दे यार भाई। अच्छा, मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि आप जिनको अपना मम्मी पापा बता रहे हो आप उन्हीं के बच्चे हो। इसके लिए कुछ प्रूफ करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, मैं निकाल रहा हूँ डेथ सर्टिफिकेट। लो, चेक किया, ये टाइम था कि ये बंदा ये जुमला बोलता कि यार जब आपको पता चल गया है कि मैं फर्जी, मैं मजाक कर रहा था समीक्षा भाई, आई एम सॉरी, इतनी सी बात थी, इसने छोटा हो जाना था। मगर मैंने आपको क्या मिसाल दिया स्टार्ट में, कुत्ता जब बावला हो जाता है वो अपने मालिक को काटता है, और ये पिछवाड़ा गैंग के कुत्ते इस्लाम की नफरत में बावले हो चुके हुए हैं, इनको धर्म कर्म भूल चुका हुआ है, इनको दीन ईमान भूल चुका हुआ है, इनको सत्य वचन भूल चुका हुआ है, इनको शर्म लज्जा भूल चुकी हुई है, ये कुत्ता टीम बावली हो चुकी हुई है, इसलिए नहीं बोला। फिर आगे से कहता है मैं ढूंढ के देता हूं, खोती के पुत्र, ये टाइम था हैं कि तू मानता कि तू झूठा है। आगे सुनते जाए बस। चलो हाँ, भेजो भेजो भेजो, टाइम लग सकता है ना, पुराने मतलब हो गया 3 साल ऐसे तो। कोई बात नहीं यार, 10 साल हो गया हो, हमारे को क्या दिक्कत है, आप भेजो तो सही। और जहां से आए हो ना, और जहां से आप आए हो ना, जिस सर्वर से, जिस डिस्कॉर्ड सर्वर से, उसका भी लिंक मेरे को भेज देना, मुझे उनसे भी बड़ा प्यार है जिन्होंने भेजा है ना आपको तैयार करके। ओके धन्यवाद। ये सर्वर कौन सा है, नाम बता दूं मैं? देखो जरा, उसको पता चल गया, क्योंकि समीक्षा को पता था जिस सर्वर पर ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हीटेड पिछवाड़ा गैंग जो है, उस सर्वर का नाम तो कुछ और है, और इसने जो सर्वर भेज दिया है वो तो नाम ही कोई और है, इसने क्या किया, अपना सर्वर भेज दिया। जबकि समीक्षा के पास जो सूत्रों के अनुसार बैक एंड की जो खबर पहुंची हुई थी कि जो ये प्लानिंग करके आते हैं समीक्षा की टांगे खींचने के लिए, उसका सर्वर तो दिया ही नहीं इसने। आगे सुना जरा, जिस सर्वर से आप ट्रेनिंग लेके आए हो उस सर्वर का नाम बता दो। देखा, इसका मतलब यह है कि जो सर्वर इसने भेजा था वो नहीं था जहां ये बैठ कर ट्रेनिंग करते हैं कि हमने फलां जगह पे रेड करनी है, फलां जगह पे करनी है। हाँ बता दो, कोई बात नहीं। चलो अच्छा, वो भेजो पहले, मम्मी पापा वाला भेजो। ढूंढ रहा हूं मैं, चिंता मत करो। लो, फिर लगा हुआ है, अभी भी नहीं बोल रहा। अब तो सच बोल दे झोपड़ी के, अब तो बोल दे चुतू। अभी मम्मी पापा वाला ढूंढ रहे हो? ढूंढ रहा हूं। और अपना देखो जरा, समीक्षा ने उसको ये बड़ी छोटी सी एक जुमला बोला है, समीक्षा ने कहा अभी ढूंढ रहे हो, यानी अब तो सच बोल दे।
ये देखना जरा, समीक्षा कहता है अभी भी ढूंढ रहे हो? ढूंढ रहा हूँ मैं, चिंता मत करो। अभी मम्मी पापा ला ढूंढ रहे हो? ढूंढो 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 ढूंढ रहा हूँ। देखो जरा, उसने मौका दिया है समीक्षा ने कि सच बोल दे या निकल जा, कहता है ढूंढ रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ, ऐसा हरामी हुआ है। और अपना है, ताकि ये पता चल जाए कि जिनको मम्मी पापा बोला है आपने, वो आप उन्हीं के बच्चे हो। ठीक है, भेजे। हाँ भेजे भेजे, बड़ी कृपा होगी प्रभु। ये मुझे पता है, ये अच्छा, ये आपको लग रहा है? ये मुझे, ये अरुण, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अरुण भाई कह रहा है कि हीटेड डिबेट टीम से है भाई। अब आपके ऊपर कह रहे लो कि अच्छा, आप उस टीम से आए। अब मुझे क्या पता कौन हो कौन नहीं हो, पहले अपना वो भेजो प्रूफ, तब तो जाने। भेज दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं ढूंढ ही रहा हूँ, मिल नहीं रहा ना। मतलब इस साल मिल जाएगा ना? मिल तो जाना चाहिए, मतलब काफी तेजी से ढूंढ रहा हूँ मैं। काफी तेजी से ढूंढ रहा हूँ मतलब? नहीं समझा मैं। ऐसे स्क्रॉल कर करके नीचे नीचे तेज तेज से स्क्रॉल। देखो कैसा ढीठा आदमी है ये, अपना ये इन, ये सनातनी है जिसके साथ ये सारा मजाक तमाशा कर रहा है, शर्म नहीं आती? हमारे साथ करो तो बात बनती भी है यार। यानी मैं, मेरा मेरा दिल दुख रहा है, मैं सही आपको बताऊं, उस सनातन समीक्षा सीधा बंदा है वो, उसको नहीं ये छल कपट, ये धोखेबाजी, ये चालबाजी, ये पखंड, ये नहीं उसको पता। वो सीधा अपना काम करता है, उसको तंग कर रहे हैं यार। हम लोग क्या खत्म हो गए हैं? मैं सनातनी हूं, तुम लोगों से पूछा यार, मुसलमानों के चैनल खत्म हो गए हैं क्या? इधर उधर जा रहे थे ना, क्या मुसलमानों के चैनल खत्म हो गए हैं यार? कमीनो, अपने लोगों को भी लताड़ते हो यार, शर्म नहीं आती? बेघर तो इतना सीधा बंदा है यार वो, मुझे दुख हो रहा है खुदा की कसम। हरामपंती कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। तुम लेकर चलोगे सबको इकट्ठा करके? इस तरह के सनातनी सबको इकट्ठा करके लेकर चलेंगे क्या? गर्द कुत्ते के बच्चे, कर रहा हूं कि मिल जाए। शरीफ आदमी को तंग करते हैं हमारे। हम चले गए क्या? आना इधर, तेरी माँ का साकी ना का, तो जो मैं जूते मारता हूँ। क्यों तंग करते हो शरीफ आदमियों को यार? गुस्सा चढ़ता है। खूब तेज तेज स्क्रॉल करो। ये डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, धन्यवाद। वो घटिया डिस्कॉर्ड सर्वर पर नहीं जाता, ठीक है? नहीं, ये तो मेरा खुद का है, वो मेरा नहीं है। अरे आपका तो कौन सा, आप बिल गेट्स हो कि मैं आपके पीछे पीछे घूमूंगा सर्वर सर्वर घूम के? लीजिए भाई, मेरे को बस इतना, देखो मेरे को बस इतना काम है। देखो मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूँ। ये सुनना जरा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्लान किया गया, प्लान ये किया गया कि सनातन समीक्षा जो है वो ये बड़े पता नहीं कोई टफ प्रश्न पूछते हैं जिनका वो उत्तर नहीं दे सकता, ये तासुर दिया गया। तो सनातन समीक्षा इस चीज को क्लियर कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। और आपको यहां मैं चले, मैं सुना ही देता हूं अभी। ये तासुर, ये जो बड़ा भला भंता बनता है ना संत, पिछवाड़ा गैंग का लीडर, इसने ये तासुर देने की कोशिश की अपनी स्ट्रीम के ऊपर सनातनियों को दिखाने की कि जनाब देखो सनातन समीक्षा ने आपको सवाल ही ना पूछने दिया, आओ मुझसे पूछो, मैं उत्तर देता हूं। ये देखना जरा, ये मैं आपको सुनाता हूं, ये हरामी पंती है इनकी, ये चेक करना जरा। ये देखो जरा, मैं कमेंट दिखाता हूं, ये किधर गया है? ये देखना जरा, 4 मिनट से एक मिनट जरा, ये मैं ऑडियो सुनाता हूं। इधर इसका तासुर ये दे रहे हैं सनातन समीक्षा का कि उसको उत्तर नहीं आता, और अपनी स्ट्रीम पर जाकर क्या कह रहा है ये देखना। 4 मिनट 6 सेकंड के ऊपर ना करके इसने कुछ कहा है, जैसे आज की डेट में ये आगे लेकर था, मैं एथियस्ट, फिर उसको लिया हुआ था तरह तो हमारा। ये देखना जरा, ये आगे आएगा, ये वीडियो बना लूंगा उसकी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मैं बस इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एट लीस्ट मतलब एट वर्स्ट केस सिनेरियो कोई कम्युनिटी पोस्ट आ जाए जिसमें वो एक्सेप्ट वो मैं चाहता हूँ कि पहले सनातन समीक्षा भैया, क्योंकि तुमने बिल्कुल वो करके रखा हुआ है, आतंक मचा के रखा हुआ है, अगर वो कुछ मतलब अगर उनकी तरफ से थोड़ा सा बड़े जैसे वो करते, क्योंकि मुझे चुन मच रही थी मैं टॉपिक। ये देखना जरा,
पता क्या तासुर दे रहा है, पहले इसको समझें। इसको लेता है स्टेज पे और स्टेज पर लेकर तासुर ये दे रहा है कि मैं बहुत बड़ा दयालु, बहुत बड़े दिल का हूं, देखो इतनी बातें की गई, मैं सबको लेकर चल रहा हूं, एक नंबर का हरामी, ये पिछवाड़ा जो है एक नंबर का हरामी, ब्रह्म राक्षस। क्या किया सनातन समीक्षा, अगर ये आदर करता सनातन समीक्षा का, इसको चाहिए था कि सनातन समीक्षा ने जो उत्तर दिया है मैं उनका सम्मान करता हूं वही था। नहीं, सनातन समीक्षा को करना है नीचे, उसको नीचे करने के लिए जरूरी था कि ये डबल रोल फिर अपने चैनल पर प्ले किया जाता और कहा जाता देखो सनातन समीक्षा ने तुम्हें प्रश्न नहीं पूछने दिया, मैं तुम्हें मौका देता हूं पूछो। ये सुनना जरा, वेट कर रहा हूं, अपने नियम तोड़ रहा हूं मैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो पहले हम आते हैं ईश्वर के ऊपर, क्या आपके ईश्वर के पास में ठीक है? अच्छा पहले पीछे सुनाए क्या कहता, क्या वो सुनना जरा। और दूसरी बात ये है कि चलो ठीक है, हम लोग ऐसा मतलब मेरे को ऐसा ओपोनेंट कंसीडर करो, और जो है मैं देखो मुझे ऐसा ओपोनेंट कंसीडर करो, फलाना करो, ड्रामा कर रहे हैं। सवाल है, एक मिनट के लिए सोचें, ये ड्रामा लाइव करने की क्या जरूरत है? मिसाल के तौर पर मेरे पैनल में दो लोग बैठे हों, ठीक है, और उनमें से एक को कोई प्रश्न हो जो उन्होंने मुझसे पूछना है, और वो पैनल के जो लोग हैं मेरे से पर्सनल रابطे के अंदर भी हैं, संपर्क है हमारा पर्सनली भी फोन के ऊपर, तो मैं उसे पूछूंगा तुझे कोई भी प्रश्न होता है यार तू फोन करके मुझे पूछ, तू लाइव क्या ड्रामे कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, दो लोगों को तंग कर रहा है, मुझसे पर्सनल बात कर ले। नहीं, इस बंदे ने ये ड्रामा लाइव इसलिए करवाया ताकि सनातनियों में ये बहुत अपने आप को बड़ा शास्त्रार्थी महर्षि स्वामी टिडल से भी बड़ा स्वामी डिक्लेयर कर सके, कहे देखो मैं हूं जिन्होंने सबका उत्तर दे रहा हूं। ये देखे सुने तो तुम आग्रह कि हाँ सर्वर दोबारा से ज्वाइन कर लो, तुमसे आग्रह। और दूसरी बात ये है कि चलो ठीक है, हम लोग ऐसा मतलब मेरे को ऐसा अपोनेंट कंसीडर करो, और जो है मैं उस वाले टॉपिक पे बहुत मेरे को बहुत ऐसा चुल मच रही थी जब तुम सनातन समीक्षा जी के साथ डिबेट कर रहे थे, उनकी तरफ से बोल रही थी। चलो उस वाले टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखा, चेक करें जरा, अगर तुझे इतनी चुल मच रही है, मसला सीरियस गंभीर हुआ है, हंस रहा है उसमें, कहता है जो तूने सनातन समीक्षा से प्रश्न पूछा था मुझे बड़ी चुल उठ रही है कि मैं उस पर बात करूं, तो कर मेरे से बात है। देखो जरा हराम पंथी की इंतहा चेक करो भाई, तू प्राइवेट में बात कर ले, लाइव क्यों कर रहा है? क्योंकि सनातन समीक्षा का सर झुकाना है, उसको नीच दिखाना है, उसको जो है ना वो अज्ञानी दिखाना है कि उसको तो कुछ नहीं पता, देखो मैं खम ठोक कर कह रहा हूं लाइव मुझसे प्रश्न पूछो, ये है सारी बात। आगे ठीक है जी, लेकिन जब आप ये कह रहे हो कि ईश्वर न्यायप्रिय हो भी सकता, अगर ईश्वर न्यायप्रिय है तो दयालु नहीं है, अगर वो दयालु है तो न्यायप्रिय नहीं है, ठीक है। मैं आपके इस प्रश्न पर जितना टाइम आप मांगोगे उतना टाइम मैं आपसे डिबेट करने को रेडी हूं, बस आपने जो अपने सरनेम को यूज किया है वो आपको प्रूव करो कि आप ब्राह्मण की औलाद हो, और आपने जो अभी कहा कि आपके माता और पिता दोनों कोरोना काल में नहीं रहे, तो चूंकि मैंने मुझे उसका विश्वास नहीं था, मुझे लगा आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा मजाकिया लहजे में बात की, अगर आप वो सच कह देते हो कि आपके माता पिता नहीं है तो मुझे इसके लिए तो पहले आपसे माफी मांगनी है, तो मुझे इसके लिए देखो देखो जरा ये नहीं दिखाया पब्लिक को, सनातन समीक्षा ने उसी प्रोग्राम के अंदर इसको कहा था कि मुझसे जितने प्रश्न पूछने हैं पूछो, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा, मगर पहले आप ये सिद्ध कर दें कि आपके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, देहांत हो चुका हुआ है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मुझे संदेह था, शंका थी, मैंने आपसे उस पर मजाक कर लिया, मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। देखो जरा ये नहीं दिखाया, चेक करें जरा, ये दोबारा सुने की औलाद हो, और आपने जो अभी कहा कि आपके माता और पिता दोनों कोरोना काल में नहीं रहे, तो चूंकि मैंने मुझे उसका विश्वास नहीं था, मुझे लगा आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा मजाकिया लहजे में बात की, अगर आप वो सच कह देते हो कि आपके माता पिता नहीं है तो मुझे इसके लिए तो पहले आपसे माफी मांगनी है, तो मुझे इसके लिए तो पहले आपसे माफी मांगनी है, और दूसरा नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसी कोई नहीं पता होता। देखें जब उसने माफी मांगी इस उसी बैठक के अंदर, तो इस कमीने ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर जाके उसको मां बहन की नंगी गालियां निकाल रहा है, कमीना इंसान, नीच,
आप वो सच कह देते हो कि आपके माता पिता नहीं है, तो मुझे इसके लिए तो पहले आपसे माफी मांगनी है, तो मुझे इसके लिए तो पहले आपसे माफी मांगनी है। और दूसरा, नहीं कोई बात नहीं, ऐसी कोई नहीं पता होता कभी कभार लोगों को, और आप उन्हीं के बच्चा हो ये प्रूफ कर दो ताकि मैं आपसे डिबेट कर सकूं। दोनों चीजें मुझे फटाफट भेज देना। कोशिश कर रहा हूं कि मैं फटाफट से डेथ सर्टिफिकेट ढूंढूं, क्योंकि अभी मेरे पास नहीं, चाचा से मांगना पड़ेगा एक बार। अच्छा, चाचा से मांगो, मामा से मांगो, मिल जाए तो दीदी से मांगो। अच्छा, ये याद रखें, अभी तक नहीं बोल रहा कि इसने ये छल किया था, झूठ बोला था, अभी तक ये लगा हुआ है कि मैं ढूंढ रहा हूं, मैं चाचा से बात करता हूं, चाचू के पास पड़ा होगा, मैं उनसे मंगवाता हूं। देखो कैसा झूठा आदमी है अभी तक। और सारा गुस्सा किस पर है? सनातन समीक्षा के ऊपर, कि उसने इसकी ली क्यों, लुंगी क्यों उतारी। झूठे आदमी को एक्सपोज नहीं करना चाहिए क्या? हां बाय द वे, ये अलग पांडे मेरा नाम नहीं है, बाकी मैं भी ब्राह्मण ही हूं। अच्छा अच्छा, उसी का सारा ब्राह्मण हूं मैं भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पांडे मेरा नहीं है नाम, मतलब पांडे आपका नाम नहीं है? नहीं, ये तो मेरे स्पीकर का नाम है, गूगल पे मिल जाएगा आपको। अलग पांडे आपके मास्टर साहब है, मतलब मास्टर साहब को भी नाश दिया, बर्बाद कर दिया तुमने। लो जी, इसका मास्टर इसके घर आकर इसकी अम्मी के साथ संभोग किया करता था, जिसका फल ये मूर्ख और नास्तिक आदमी है, अधर्मी, जिसको सपोर्ट कर रहा है पिछवाड़ा गैंग, जो बनता है धर्म योद्धा, धर्म रक्षक, अपने टीचर का नाम लिए फिर रहा है लास्ट नेम पर, कहता है ये मेरा नाम ही नहीं है, ना मैं पांडे हूं, ये तो मेरे टीचर का नाम है। वाह 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 वाह, अभी समीक्षा ने तेरे साथ काम किया है, तू मेरे हत्ते ये बात करता तो फिर मैं देख तेरे साथ करता क्या, उसके ऊपर चढ़ रहा है तू। हद है यार, पूरी दुनिया अपने बाप का नाम इस्तेमाल करती है, ये बंदा अपने टीचर का नाम इस्तेमाल करता है, बताओ हद है। फैन हूं ना भैया, तो कर लेते हैं इस्तेमाल। हद है यार, हद है, मतलब पांडे के फिजिक्स वाले हैं ना वो, उनका नाम इस्तेमाल किया, वो लिखा तो है मैंने नीचे, देखो फिजिक्स वाला। हद है यार, हद है। अच्छा, आपका रियल नेम क्या है? रियल क्या, सरनेम पूछ रहे हो कि नेम पूछ रहे हो? अरे आपका रियल नेम क्या है? अभी आपने बोला ना कि नहीं, वो मैं बता नहीं सकता। नहीं है तो आपका नेम क्या है? मैं बता नहीं सकता आपको, सरनेम मेरा झा है, बाकी आप जान लो। अच्छा, सरनेम आपका झा है, तो आप ऊंची कास्ट वाले ब्राह्मण हो, बड़का है? जी भैया। अच्छा, गोत्र क्या है आपका? गोत्र मेरा शांडिल्य है। उपगोत्र क्या है? शांडिल्य, शांडिल्य। अरे उपगोत्र क्या है? उपगोत्र, उपगोत्र नहीं पता मुझे। वेरी गुड समीक्षा भाई, आप भी बड़े साध्य हो यार, कहां से पता होगा उसे, जो बाजू वाले टीचर को अपना पिता दर्शा रहा है, नास्तिक होकर आस्तिक सनातनी बना हुआ है, माता पिता को स्वयं खुद मार रहा है गला घोंट कर, फांसी का फंदा लगाकर कोरोना काल से, चाचा का झूठ बोल रहा है, उससे आप ये आशा कर रहे हो कि वो आपको ये बताएगा कि उसका ओरिजिनल नाम क्या है, ये नहीं बताने के कभी। जी, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है? नहीं, वो पापा का हुआ था, मेरा तो नहीं हुआ। उम्र कितनी है आपकी अभी? 19 साल। तो 19 साल उम्र है, औकात देखो, हरकतें देखो, साले अंडे से निकला नहीं है कि टकर 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 कर रहा है, हैं? 19 साल का तू, सनातन समीक्षा की गोटियों के साथ तुझे मैं बांध दू ना, तू खुद को खोल नहीं सकता, जमीन से उगे नहीं है कि हिलने लगे हैं, तू सनातन समीक्षा की झाट के बराबर भी नहीं है, तू बात कर रहा है उसके साथ, उसको गालियां देता है, 19 साल का लौंडा तमाशा कर रहा है, और वो ब्रह्म राक्षस जैसा चूड़ा पिछवाड़ा गैंग इस बच्चे की खातिर अपने सनातन धर्म के एक बड़े जो है ना वो एक रिसर्चर से फटेबाजी कर रहे हैं, ये औकात है इनकी। ये सब पता क्यों हुआ? जो मिसाल मैं पहले दे चुका हूं, कुत्ता, बावला कुत्ता अपने मालिक को काटता है, हीटेड पिछवाड़ा गैंग बावला हो चुका हुआ है, इनकी जगह या तो इनकी माताओं की गुफें हैं या इनकी जगह लॉकअप है, इसके अलावा कोई जगह नहीं है इन बावले कुत्तों की, ये समाज की हानि के लिए दंदनाते फिर रहे हैं, टाउं टाउं करते फिर रहे हैं। जी, तो आपकी शादी होगी तब आपका हो सकता है कि वो हो, है यज्ञोपवीत संस्कार, क्यों?